वेलकम टू साइंस अध्ययन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 एंड 10 के ग्रीन ओलंपियाड के सैंपल पेपर को, जो कि आप लोगों का 2023 का सैंपल पेपर है और यह लेवल 3 में पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मीन? ऑप्शन नंबर ए नेचुरल CO2 इमिशंस, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन मेड CO2 इमिशंस, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल CO2 इमिशंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द मेंशनड। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो एंथ्रोपोजेनिक CO2 होता है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, उसका यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो एंथ्रो, जैसा कि इस वर्ड में लिखा हुआ है, तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। तो ऐसा इमिशन जो कि ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, इस तरह के इमिशन को हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ह्यूमन मेड CO2 इमिशंस, ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू इज, अमॉन्ग द गिवन इंजीनियर्स हु इज नोन एज द फर्स्ट फीमेल इन्वायरमेंटल इंजीनियर? ऑप्शन नंबर ए एलेन स्वेलो रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी मिस एलेन हेनरिटा, ऑप्शन नंबर सी कैथरीन एंसलम ग्लेसन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलसी इवेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी यहाँ पर इंजीनियर्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से फर्स्ट फीमेल इन्वायरमेंटल इंजीनियर कौन है। तो ये जो फर्स्ट फीमेल इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, इनका नाम है एलेन स्वेलो रिचर्ड्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर जो है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो एलेन स्वेलो रिचर्ड्स जो थी, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सैनिटरी इंजीनियरिंग की सबसे पहले जो है ये डिस्कवरी की थी। तो यही फर्स्ट जो है फीमेल इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज डन टू अवॉइड फ्लोटिंग डेब्रिस ब्रांचेस ट्रीज और अदर लार्ज पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज एरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जो वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, जिसमें कि डेब्रिस ब्रांचेस ट्रीज और अदर जो लार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वाटर में, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए यहां पर कौन से प्रोसेस को हम जो है वो अपनाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्क्रीनिंग। तो जो ये प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट जो है ये प्रोसेस होती है, फर्स्ट जो हम स्टेप लेते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसी को स्क्रीनिंग बोला जाता है, जिसमें कि जो लार्ज पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, उनको स्क्रीनिंग के द्वारा जो है यहाँ जो है वाटर से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है और वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन एलम इज एडेड टू वाटर? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम वाटर में एलम को ऐड करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले हमें एलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एलम का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, ये क्या होता है, ये एल्युमिनियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। तो इसका फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2O। इसमें जो है वाटर के 18 मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जब ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे रखा है। तो ये क्या है, ये वाटर में ही सस्पेंडेड जो है ये बेसिक मटेरियल होते हैं, जिन्हें कि हम एल्कलाइन मटेरियल बोलते हैं। तो ये एल्कलिनिटी यहाँ पर शो किया गया है, जो कि ये वाटर में जो है सिंपल ये मौजूद होता है। तो इस तरह से जो है एलम जब है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो बाइकार्बोनेट आपने पढ़ ही रखा होगा कि इससे कौन सी गैस निकलती है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। तो इसीलिए जब एलम जो है वो वाटर के साथ ऐड किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज अ फिल्टर मटेरियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर? ऑप्शन नंबर ए गार्नेट सैंड, ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट रॉक, ऑप्शन नंबर सी सैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंथ्रेसाइट।
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें कौन सा जो है इनमें से फिल्टर मटेरियल हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए हम इनमें से किसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है वो होता है क्रस्ट रॉक। तो ये क्या होता है, ये वाटर में सस्पेंडेड जो है ये होता है, इसलिए इसका जो है हम यूज़ नहीं करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट में। तो क्रस्ट रॉक यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए नॉइस पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी थर्मल पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सॉइल पॉल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज वाटर पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा टाइप का जो पॉल्यूशन है वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है। तो सबसे पहले जो ये टर्म है यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके जो आसपास जो है जैसे कि जो है एल्गी जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, उनका एक्युमुलेशन हो जाता है, तो जिसके के कारण क्या होता है जो वाटर के अंदर जो फिश होती हैं या जो भी जीव जंतु हैं उनके क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जो ये इनके जो ग्रोथ होती है एल्गे के कारण वाटर के चारों ओर, उसका ये रीजन होता है। यानी कि जो वाटर का जो पॉल्यूशन है वो मेन जो होता है वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन का कारण होता है। तो इनमें से जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है वो मेनली क्या है, तो वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन है ये ह्यूमन मेड होता है, तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ऑप्शन नंबर ए SPM, ऑप्शन नंबर बी PAN, ऑप्शन नंबर सी O3 एंड ऑप्शन नंबर डी NO2। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले स्मॉग क्या होता है, तो ये कोलोइडल पार्टिकल होते हैं जिसमें कि स्मोक और क्या होते हैं फॉग का ये मिक्सचर होता है। और यहाँ पर ये दे रखा है टर्म फोटोकेमिकल स्मॉग, तो ऐसे स्मॉग जो कि फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो इस तरह के स्मॉग को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो NO है, NO2 है, VOCs है, ये क्या है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि सनलाइट में यानी कि UV रेज में ये रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा ओजोन हो गया, ये पैंस हो गई, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो ये भी सनलाइट में क्या होता है ये रिएक्ट करते हैं। और इनकी एक जो ये परत होती है ये इस सरफस पे जो है ये इस तरह से जो है ये क्या हो जाती है सराउंडेड हो जाती है। तो इनमें से कौन है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं है, तो यहाँ पर जो दे रखा है SPM, तो ये सेकेंडरी जो है ये पोल्यूटेंट है, ये क्या होते हैं ये इस फोटोकेमिकल स्मॉग का ये पार्ट नहीं होते हैं। तो SPM यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट इज द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय क्लाउड्स एंड ऑप्शन नंबर ई इज एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय द ग्राउंड। तो यहां पर पूछा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके कारण मेनली होता है, तो ये जो है मेनली होता है एब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है एटमॉस्फेयर में वो मेन कारण होता है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन इज द ग्रेजुअल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस इज नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी एक्लिमेटाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्वारंटाइन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है स्लोली जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक तरह से ये एडेप्टेशन ही है। तो एडेप्टेशन क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। और एक टर्म है एक्लिमेटाइजेशन, जो कि क्या होती है, ये टेम्प्रेरी चेंज होती है जो कि जब हमारा एनवायरमेंट का कंडीशंस चेंज होता है तो उसके हिसाब से ये बदलते रहती है एनिमल में या फिर किसी भी प्लांट में। तो यहां पर जो है ये टेम्पररी चेंज है तो इसे हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
Now the last question is, name the instrument that is used to measure temperature, pressure as well as humidity at numerous altitudes within the atmosphere. Option number A, altimeter. Option number B, barograph. Option number C, radio sound. And option number D is aneroid barometer. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी इन तीनों को ही क्या करता है, न्यूमरस अल्टीट्यूड यानी कि न्यूमरस जो हाइट होती है विद इन द एटमोसफेयर इनको मीजर करता है. तो इन तीनों को ही मीजर किया जाता है रेडियो साउंड के द्वारा. तो ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सैम्पल क्वेश्चन हैं यहाँ पर वो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं जो कि ग्रीन ओलंपियाड के लेवल 3 में पूछे जाते हैं. तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैंने बता रखी थी पिछली वीडियो में उनसे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें. तब तक के लिए पढ़ते रहें. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.